अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। इस वक्त हम मौजूद हैं वीनस सिनेमा लियाकतबाद में, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक तारीख़ी सिनेमा है और इस एरिया का ये एक बहुत खूबसूरत तरीन सिनेमा हुआ करता था। माजी में जब पाकिस्तानी फिल्में बहुत अच्छा बिज़नेस किया करती थी, फैमिली सिनेमाज में आया करती थी, तो उस वक्त ये सिनेमा बहुत आबाद हुआ करता था। सबसे पहले ये नैरिंग सिनेमा के नाम से स्टार्ट हुआ, नैरिंग सिनेमा के बाद फिर ये मिज़राब सिनेमा बना, मिज़राब के बाद फिर ये वीनस सिनेमा बना दिया गया। वीनस सिनेमा की जो पहली फिल्म थी वो इंसानियत के दुश्मन थी, और इंसानियत के दुश्मन ने यहाँ 4-5 हफ्ते लगातार सुपर डुपर हिट बिज़नेस हासिल किया। यहाँ पर मुतअद्दिद फिल्मों ने सुपर हिट कामयाबियां हासिल की, और यह लियाकतबाद का एक मारूफ तरीन सिनेमा है। इसके बिल्कुल सामने फिरदौस सिनेमा हुआ करता था, और इससे थोड़ी सी दूर अगर जाएं तो इरम सिनेमा, गैलेक्सी सिनेमा, और थोड़ा आगे जाएं तो अर्शी और ओपेरा हुआ करता था। इससे पीछे हम जाएं तो फिल्मिस्तान, नावल्टी और ये सिनेमा हुआ करते थे। तो आइए अब हम आपको वीनस सिनेमा के हवाले से बताते हैं। कराची के कदीम और गुंजान आबाद इलाके लियाकतबाद में वाक़े वीनस सिनेमा का नाम 3 बार बदला गया। ये इलाका पाकिस्तान भर में लालू खेत के नाम से ज़्यादा मारूफ है। लालू खेत डाकखाना स्टॉप से लियाकतबाद 10 नंबर जाने वाली सड़क पर वाक़े इस सिनेमा को कायम हुए लगभग 7 दहाइयाँ बीत चुकी हैं। इस अरसे में वीनस सिनेमा का न सिर्फ डिज़ाइन तब्दील हुआ बल्कि नाम भी 3 बार बदला जा चुका है। 1950 की दहाई में जब यह सिनेमा तामीर हुआ तो इसका नाम नैरंग रखा गया था। इसके मालिक मजहर इमाम थे, जिनकी कंपनी इमाम एंड इमाम के नाम से थी। 70 की दहाई के अवाखिर में मुल्क भर में शिया सुन्नी फसादात की आग भड़क रही थी। इन फसादात की जद में ये सिनेमा भी आया, और मुजाहिरीन के एक जत्थे ने नैरंग सिनेमा को जलाकर खाकस्तर कर दिया। इसके बाद सिनेमा की असर नौ तामीर हुई, और सिनेमा की बिल्डिंग के डिज़ाइन में तब्दीली करके इसमें ग्राउंड फ्लोर पर मार्केट तामीर कर दी गई, जबकि सिनेमा बालाई मंजिल पर शिफ्ट कर दिया गया। नई तामीर के साथ सिनेमा का नाम भी तब्दील करके मिज़राब कर दिया गया। मिज़राब सिनेमा पर जो पहली फिल्म लगी वह अदाकार मोहम्मद अली, शाहिद, बाबरा शरीफ और रानी की फिल्म जोश थी। ये फिल्म 25 अगस्त 1979 को रिलीज़ हुई। हिदायतकार इकबाल यूसुफ की इस एक्शन फिल्म का कराची में मेन थिएटर नशेमन था। जोश गोल्डन जुबली से हमकनार हुई। दिलचस्प बात यह है कि डायरेक्टर इकबाल यूसुफ ने जोश के टाइटल से 2 फिल्में बनाई। इसी नाम से उनकी पिछली फिल्म 1966 में रिलीज हो चुकी थी, जिसकी कास्ट में वहीद मुराद, जेबा और सुधीर नुमाया अदाकार थे। 80 की दहाई के अवाखिर में यह सिनेमा एक बार फिर आग के शोलों की नजर हो गया, जिसके बाद सिनेमा मालकान ने इसे फरोख्त करने का फैसला कर लिया, और ये बिल्डिंग मजहर इमाम की मिल्कियत से नए मालिक काजिम शाह को मुंतकिल हो गई। उस वक्त सिनेमा की मालियत 18 लाख रुपए थी। नए मालकान ने सिनेमा का नाम बदलकर वीनस कर दिया, और अब तक यह सिनेमा इसी नाम से चल रहा है। काजिम शाह साहब के इंतकाल के बाद अब यह सिनेमा उनके छोटे भाई हाशिम शाह के जेर इंतजाम है। बेम्बिनो सिनेमा हैदराबाद भी इसी फैमिली की मिल्कियत है।
वीनस सिनेमा का नाम इख्तियार करने के बाद इस सिनेमा पर जो पहली फिल्म लगी वो हिदायतकार हसनैन की इंसानियत के दुश्मन थी, जिसकी कास्ट में इजहार काजी, नदीम और अंजुमन शामिल थे। ये फिल्म 2 फरवरी 1990 को रिलीज हुई थी। जिस जमाने में इस सिनेमा का नाम नैरंग था, तब सिनेमा ग्राउंड फ्लोर पर वसी रकबे पर कायम था और साइड सिनेमाओं में एक मियारी तफरीगाह के तौर पर मकबूल था। उस दौर में फिल्में 35mm प्रिंट्स पर रिलीज हुआ करती थी और प्रिंट्स की डबलिंग हुआ करती थी, यानी रील की शक्ल में फिल्म का प्रिंट 2 से 3 सिनेमाओं पर घूमा करता था। इस काम में टाइमिंग का बेहद अमल दखल हुआ करता था, इसलिए कराची में सबसे पहला शो इसी सिनेमा पर स्टार्ट होता था, जिसका वक्त 2:30 बजे मुकर्रर था। इसी तरह दीगर शोज भी रिवायती टाइम 3, 6 और 9 बजे से आधा घंटा पहले शुरू होते थे। ये इस सिनेमा की इंफरादियत थी। मोहम्मद नईम है और तकरीबन सिनेमा लाइन में 1980 से मैं इसमें ज्वाइनिंग हूँ और तकरीबन चांदनी सिनेमा हैदराबाद से मैंने आगाज़ किया। कोहिनूर सिनेमा पे आगा साहब होते थे, उन्होंने मुझे चांस दिया था और फिर मैं चांदनी सिनेमा पे काम करता रहा और उसके बाद फिर मैं यहाँ आया हूँ 2007 में फिर मैं इस सिनेमा पे इन हुआ हूँ और जब से यही हूँ। इस दौरान मुतैन उतार चढ़ाव आए फिल्म की लाइफ के अंदर और इस वक्त तो सूरत हाल आप सबके सामने ही है कि हम दो ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस इंडस्ट्री को खड़ा करे और हमारा जो काम है अल्लाह ताला उसको बरकरार रखे। वो सब फिल्में हमने इस प्रोजेक्टर पे चलाई 35 पे। अब जो है ये चूँकि इनके प्रिंट बनने बंद हो गए और लेबॉरटरीज बंद हो गई तो इसीलिए फिर हम उन छोटे प्रोजेक्टों पे हम मुंतकिल हो गए जो इसे MM प्रोजेक्टर मल्टीमीडिया कहते हैं। नैरंग के बिलमुकाबिल एक और दिलकश सिनेमा फिरदौस के नाम से था, जहां अब शॉपिंग सेंटर बन चुका है। ये सिनेमा भी किसी ज़माने में उर्दू और पंजाबी फिल्मों का बेहतरीन साइट सिनेमा हुआ करता था। नैरंग और फिरदौस, इन दोनों सिनेमाओं का बिजनेस काबिल दीद था। फिरदौस सिनेमा के मालिक अजीज़ुल्ला जंग थे। नैरंग सिनेमा पर कई शाहकार, कामयाब उर्दू और पंजाबी फिल्मों की नुमाइश हुई, जिनमें मंडी, शरीक हयात, मंगोल, जलवा, अनपढ़, तूफान, खिलौना, मेरे महबूब, बेगाना, इल्ज़ाम, इश्क पर जोर नहीं, शरारत, सेहरे के फूल, मैं कहाँ मंजिल कहाँ, सच्चाई, याराना, फ्रॉड, औरत एक पहली, आज और कल, ख्वाब और ज़िंदगी, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, दोराहा, नसीब अपना अपना, आखिरी स्टेशन, ज़रूरत, बहिश्त, मन की जीत, आवारा, मस्ताना माही, आपका खादिम, दुश्मन, डॉक्टर, जब जब फूल खिले, रिम झिम, इशारा, लाडला, जिंदगी एक सफ़र है, बंदगी, सालगिरह, मुलाकात और बहारो फूल बरसाओ जैसी अहम और यादगार फिल्में शामिल हैं।
मेरा नाम हारून अहमद है। मैं बेसिकली पेशे के हिसाब से एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने पेंटिंग्स भी बनाता हूँ। एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मेरा ताल्लुक रहा है, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। मेरा शौक फिल्म से तो काफ़ी, क्योंकि मैंने ये काम सीखा ना फिल्म से ही सीखा है, और सिनेमा से तो मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है कि काम भी मैंने इसी फील्ड से सीखा, तो लिहाजा मुझे इससे बेपना मोहब्बत सी है। मैंने ये सिनेमा में काफ़ी फिल्में देखी हैं। सबसे पहले ये नहरंग था, उसके बाद ये तो वीनस में तो मिजराब में तब्दील हो गया था। तो उसके बाद इस सिनेमा पे जो पहली फिल्म थी वो जोश फिल्म थी, जिसके लिए हम लोग काफ़ी खुशी के टिकट नहीं मिला था। उसके बाद यहाँ मिस हांगकांग, काला धंधा, गोरे लोग और बहुत सी फिल्में लगी हैं जो कि हम यहाँ देख नहीं सके, सिर्फ इस वजह से कि इसमें ना रश बहुत होता था, क्योंकि छोटा सिनेमा है और अच्छा था इस इलाके का, खूबसूरत तरीन सिनेमा है जो कि आज भी है। मैं आपको बताता चलो, ये मिजराब सिनेमा के बाद हम आते हैं वीनस सिनेमा, जो इसकी सेकंड इनिंग थी ना, तो उसकी पहली फिल्म यह इंसानी के दुश्मन थी। उसका एक दिलचस्प वाक्य यह है कि उस ज़माने में जैसी वो फिल्म थी वैसे ही इस फिल्म में हालात दिखाए थे, और वैसे ही बाहर का एटमॉस्फेयर भी वैसे ही था। तो वहाँ ये मुसलसल या 6 वीक मुसलसल हाउसफुल के साथ चली है, जो कि ज़बरदस्ती उतारी है और फुल जा रही थी फिल्म। इसकी एक बहुत एक अहम बात मिजराब वीनस सिनेमा की, पहला उस तो फिल्म लगी और पहली ही फिल्म यहाँ 6 वीक चली है और रश के साथ। जब इस सिनेमा का नाम मिजराब हुआ तो यहाँ जोश, दो दिल, जमीर, आई लव यू, छोटे नवाब और गनमैन जैसी फिल्मों की नुमाइश हुई। मेरा नाम आरिफ भट्ट है और मैं तकरीबन 30 साल से सिनेमा लाइन से मुंसलिक हूँ। पहले मैं ऐसे ही काम करता था, अभी मैं थर्ड पार्टी काम करता हूँ, एक दो सिनेमा चलाता हूँ। और उस वक्त के वक्त दौर में और आज के दौर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क तो ये कि उस ज़माने में 35 के प्रिंट आते थे, हम सौदा कर लेते थे, फिल्में हमारी हुआ करती थी और हम उनके मालिक हुआ करते थे, वो साल साल तक चलती रहती थी सेंसर के बाद। अब वक्त गुजर गया है, अब तमाम मल्टीप्लेक्स सिनेमा है, लेकिन ये हम छोटे सिनेमा चला रहे हैं, इनमें 35 का तो अब नामो निशान बाकी नहीं रहा। मशीनें हमारी सड़ गई हैं, ना हमारे पास प्रिंट है और ना कार्बन मिलता है। तो अब ये है कि लाहौर से फिल्में जो आती हैं HD में वो ख़रीदते हैं, वो भी फिल्में इतनी महंगी हैं कि ख़रीद लो और वो 3 महीने बाद 6 महीने बाद वो नेट पर आ जाती हैं, तो बिज़नेस भी नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला आसानियाँ कर दे, चला रहे हैं कि आगे शायद अल्लाह ताला कुछ और आसानियाँ कर दें। फिल्में ना होने की वजह से पुरानी फिल्में ही चला रहे हैं। अब नई फिल्म ख़रीदो, ईद पर लगाओ, वो 2-4-5 महीने के बाद नेट पर आ जाती है, फिर वो लोग कम हो जाते हैं। बिज़नेस साइड के 2-4 सिनेमा जो हैं छोटे, उनका बिज़नेस नहीं रहा। तकरीबन बिज़नेस तो तमाम ऑलमोस्ट तमाम सिनेमाओं का नहीं है इस वक्त, लेकिन हमारे जो छोटे सिनेमा हैं, जिस सिनेमा में मैं बैठा हुआ हूँ, मिनी सिनेमा लियाकताबाद में यहाँ पर हूँ मैं इस वक्त, और ये सिनेमा मैं चला रहा हूँ, यहाँ पर भी आप समझ लें कि इस वक्त 6 PM का शो जो है वो बंद है पब्लिक ना होने की वजह से। इस वक्त ये विनी सिनेमा के नाम से मैं चला रहा हूँ। आज से तकरीबन 40 साल पहले ये नहरिंग सिनेमा के नाम से था। इसके सामने सिनेमा था, वो फिरदौस शॉपिंग सेंटर बन गया, फिरदौस सिनेमा हुआ करता था। जो नहरिंग सिनेमा था वो ज़मीन पर बना हुआ था और वो काफ़ी उसकी जगह भी थी, सिनेमा भी बड़ा था। उसके बाद ये सिनेमा मिजराब के नाम से शुरू हुआ, मिजराब
के नाम से चलता रहा। अभी जिन मालकान ने लास्ट टाइम जो लिया है वो विनी सिनेमा, उन्होंने नाम रखा था। इस वक्त इस सिनेमा के जो मालिक है सैयद आशिम शाह साहब हैं, तो वो आते हैं महीने में एक आध बार, लेकिन मैं इसको लुक आफ्टर करता हूँ, मैं ही देखता हूँ और मैं ही फ़िलहाल इसको चला रहा हूँ। और बड़ी म्यारी और बड़ी अच्छी फिल्में लगी हैं। एक वक्त था यहाँ पर कि लेडीज़ ही लेडीज़ हुआ करती थी, कि सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसी भी फिल्में जैसे मुंडा बिगड़ा जाए, और एक दो फिल्म ऐसी थी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिख के रखा था बाहर के सिर्फ बुध वाले दिन और जुमेरात वाले दिन लेडीज़ का शो चलेगा। तो उस शो में सिर्फ लेडीज़ हुआ करती थी, बच्चे हुआ करते थे, मर्द हज़रात को उसमें टिकट नहीं दिए जाते थे। और ये छोटा सिनेमा था लेकिन ये फुल जाया करता था। तो आजकल लेडीज़ का रुझान भी नहीं है और लोग भी जो है, और सिनेमा की बिल्डिंग जो है वो है, लेकिन वक्त के साथ साथ अब जाहिर बात है कारोबार ना होने की वजह से मालकान खर्चा भी नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी ये कोशिश है कि सफाई रहे सिनेमा में और थोड़ा साउंड सिस्टम रहे। अभी हमारे सिनेमा की हालत भी ख़राब ही है, तकरीबन अंदर की सीटें वगैरह काफ़ी टूटी हुई हैं। अब ये हालत होगी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बिज़नेस नहीं है, लोग नहीं आते। अगर लोग आए और हमारा सिनेमा अगर चले तो हम उस पर और ख़र्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त लियाकताबाद में इतना बड़ा एरिया है लियाकताबाद का, यहाँ पर सिर्फ एक ये विनी सिनेमा ही बाकी रह गया। ना नहरिंग सिनेमा रहा, ना फिरदौस रहा, ना इरम गैलेक्सी रहा। आगे आशा मंजिल की तरफ हम जाते हैं, अर्शी उपहरा थे, वो भी ख़त्म हो गए। अब इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ एक ये सिनेमा है और ये भी ना चलने के बराबर है। इन दिनों वीनस सिनेमा पर ज़्यादातर पंजाबी फिल्में ही ज़ेर नुमाइश रहती हैं, जिनका बिजनेस न होने के बराबर है, लेकिन सिनेमा इंतज़ामिया इन हालात में भी कारोबार जारी रखे हुए है, ताकि माजी की यादों की अमीन ये तफरी गाह किसी तौर सांसें